हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्सप्लेन हाउ डज द ओएच ग्रुप अटैच टू अ कार्बन और बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेंजीन के ऊपर अगर हम ओएच कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दैट मींस कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज, जो किसी यहां पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके उससे कनेक्ट होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है जब OH ग्रुप हम बेंजीन पे कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल को इसमें ऐड होने में यानी हाइड्रोजन को निकालने में क्यों हेल्प करता है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसका रेजोनेंस से आप हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए फेनोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, लोन पेयर है, दैट मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो बॉन्ड बनाने यहां पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ये अपना लोन पेयर देता है और ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए होता क्या है, यहां पे ये यहां पे आएगा, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा OH। क्योंकि अपना लोन पेयर दिया है इसलिए इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आइए यहां पे, डबल बॉन्ड है ये। अब देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये मेरा हो गया यहां पे डबल बॉन्ड ओ एच, और ये मेरा यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, दैट मींस ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो देखिए क्या हुआ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग थ्योरी पार्ट में यानी लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं फेनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, दैट मींस जो अपना लोन पेयर ऑक्सीजन दिया था ये अपना लोन पेयर को वापस लेगा और यहां पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड OH, अब जो लोन पेयर लिया था अपना लोन पेयर को वापस ले लिया ऑक्सीजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पारा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, यानी जब हम OH को बेंजीन पे कनेक्ट करते हैं तो ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और हमको यहाँ पे ऐड क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज को इस पे ऐड करना है तो क्या होगा, इजी होगा। क्योंकि OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जाके या तो ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि OH ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पे इसलिए जाके अटैक करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।